बुजुर्गों को रेलवे किराए में मिलने वाली छूट पर दिल्ली सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। जी हां, आपको बता चले कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे के किराए में मिलने वाली रियायत बहाल करने की मांग की है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि देश के बुजुर्ग नागरिकों को पिछले कई रेलवे किराए में 50% की छूट मिल रही थी। इसका लाभ देश के करोड़ों बुजुर्ग उठा रहे थे। बता दें कि कोविड महामारी से पहले रेलवे द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे के किराए में रियायत दी जाती थी। कोविड से पहले तक भारतीय रेलवे 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों को किराए में 40% की छूट देता था और 58 वर्ष की उम्र पूरी कर चुकी महिलाओं को किराए में 50% की छूट देता था। यह रियायत मेल एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो समूह की ट्रेनों के सभी वर्गों के किराए में दी जाती थी, लेकिन 20 मार्च 2022 को यह सुविधा वापस ले ली गई थी। वहीं सीएम केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सर, बात पैसे की नहीं है, बात नियत की है। दिल्ली सरकार अपने 70,000 करोड़ के बजट में से बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पर अगर 50 करोड़ खर्च कर देती है तो दिल्ली सरकार गरीब नहीं हो जाती है। आने वाले साल में केंद्र सरकार 45,00,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें बुजुर्गों की रेल यात्रा में मात्र 1,600 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ये राशि समुद्र में बूंद जैसी है। यह खर्च ना करने से कोई केंद्र सरकार अमीर नहीं हो जाएगी और इसे खर्च करने से केंद्र सरकार गरीब नहीं हो जाएगी।